केले की जड़ औषधि गुणों से भरपूर है, जिसे आयुर्वेद में कई बीमारियों के उपचारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केले की जड़ में कई प्रकार के पोषक तत्व और खनिज पदार्थ होते हैं, जो कि अन्य पौधों की जड़ों की अपेक्षा कहीं अधिक हैं। इनमें सेरोटोनिन, टैनिन, डोपामाइन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, नॉरएपिनेफ्रिन और हाइड्रोक्सिप्टामाइन आदि पोषक तत्व होते हैं, जो अस्थमा, सूजन और अल्सर जैसी बीमारियों का रामबाण इलाज बन सकता है। केले की जड़ों में सूजन को कम करने वाले एंटीपायरेटिक गुण होते हैं। ये सांस या अस्थमा की बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आयुर्वेद में अस्थमा के मरीजों को केले की जड़ का काढ़ा पीने के लिए सुझाव दिया जाता है। केले की जड़ का काढ़ा बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। केले की जड़ लें, उसे अच्छे से साफ कर लें, फिर इसे पानी में डालकर उबाल लें। उबलकर पानी जब गाढ़ा हो जाए तो इसमें अजवाइन मिलाकर नमक के साथ इसका सेवन करें। ये काफी कारगर तरीके से काम करेगा। वहीं आप हल्का सा मीठा स्वाद चाहते हैं तो आप इसमें गुड़ भी मिला सकते हैं। आयुर्वेद उपचार में केले की जड़ का उपयोग पुरानी सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। यह बहुत ही विश्वसनीय और पारंपरिक दवा के रूप में जानी जाती है। अगर आपके गले में सूजन है तो आप इससे अपना इलाज कर सकते हैं। इसके लिए केले की जड़ को अच्छी तरह से साफ करके इसे पीस लें, फिर इस पेस्ट को निचोड़कर इसका रस निकाल लें। आप केले की जड़ से बने इस जूस में थोड़ा सा पानी मिलाएं और इस मिश्रण से गरारे करें। ऐसा आप दिन में 3-4 बार करें, जब तक कि आपकी तकलीफ दूर ना हो जाए।